नए वीडियो को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के रेलवे और बैंकिंग एसएससी में पूछे गए सवाल है, जो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीकों में। चलिए हम लोग आते हैं सीधे बोर्ड पर। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% का हानि पर सामान बेचता है और लेकिन 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 12.5% मतलब कितना हो गया, 12.5% आप इसे फ्रैक्शन में कीजिएगा तो ये हो गया 1/8। क्लियर है, सामान बेचता क्रय मूल्य पर हानि पर, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और ये आपका हो गया लॉस मतलब हानि। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8 है, अगर क्रय मूल्य 8 है और लॉस 1 रुपया रहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7, 1 माइनस हो गया। अब आपसे प्रश्न में बोल रहा है लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग किया, मैंने खरीदते समय वो क्या किया 28 ग्राम और बेचते समय वो 36 ग्राम, यानी घपला 28 ग्राम का जगह पर वो 36 ग्राम सेलिंग किया। अब इसे काटिएगा तो 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36। अब क्या करना है, देखिए क्रॉस में देखिए ये कट रहा है ये और ये काट दिए, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 8 और 9 × 9। तो देखिए 8 से 9 मैंने क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य कितना हो गया 9, कितना का लाभ 1 का लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/8 × 100, यानी 1/8 इक्वल्स टू कितना 12.5%, 12.5% का आपका लाभ होगा। देखिए इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसी कर इस अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए ये अलजेब्रा का एक प्रश्न है कि क्या दिया हुआ है कि 4 × 17 = 17 × 7 = p (40) और आपसे क्या पूछ रहा है p इक्वल टू कितना। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या a और इसे b मान लिया, यानी कि a³ - b³, अगर a³ - b³ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 उतरा 17 - 7 a - b, a² - है तो प्लस हो जाता है ab (17 × 7 + 7²). नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, 17² + 7² + p (=40) दिया। आपको क्या निकालना है, आपको p निकालना है। तो देखिए 17 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 4 कीजिए, यानी कि ये हो गया 40, 17² + 17 × 7 + 7² = 40 / 17² + 7² + p, पानी आवान है। देखिए ये 40 से ये 40 कट गया, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 17² + 7² + p, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17² + 17 × 7 + 7². देखिए बराबर का इधर अगर इसको लाइए तो ये माइनस हो जाए, ये और ये कट गया आपका, क्लियर है। 7² + 7² करिए, यानी कि आपको p निकालना है, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया 17 × 7, 17 × 7 कीजिएगा तो 119, यानी आपके आंसर हो गए 119 आंसर, आपके आंसर हो गए 119 आंसर। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्या के बीच कितना का अंतर है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया, दो परिधियों का अंतर, परिधि क्या आता है, ये वृत्त है, ये वृत्त, यानी इसका और ये इसका, एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है, जो दिया हुआ परिधि कितना 352 और एक दिया है आपका परिधि कितना मान लीजिए 198, यानी परिधि किसे बोलते हैं, यहाँ से अगर कीजिए तो यहाँ तक का परिधि, यहाँ से स्टार्ट किए ये पूरा परिधि बाहर रहा है। तो आपको यहाँ पर त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करना है, मान लीजिए ये बड़ा वाला को आप r मान लीजिए और छोटा वाला को स्मॉल r, तो परिधि क्या होता है, परिधि इक्वल टू 2 पाई r होता है, एक होगा आप
कैपिटल आर, और एक क्या होगा आपका परिधि 2 पाई स्मॉलर, ये दोनों का अंतर कर दीजिए आप, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू ये दोनों का अंतर 352 माइनस 198, क्लियर है। इसे घटाया तो 12 में 8 गया ये 4, यहाँ बच गया आपका 4, 4 में 9 नहीं जाएगा तो 14 में 9 गया, ये देखिए 5, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ पर कीजिएगा तो क्या कॉमन जा रहा है 2 पाई आर माइनस आर। देखिए यही चीज आपको निकालना है, वृत्तों की त्रिज्या का अंतर, वृत्तों की त्रिज्या का अंतर, तो 2 गुना 22 बटे 7 आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 154, इसे अगर आप काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा 77 बार में कट गया, 11 × 22 11 × 7 = 77, यानी कि r माइनस आर कैपिटल r माइनस आर इक्वल टू 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 49/2, इसे काटिएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 × 4 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछ रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अंतर क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अंतर क्या है, इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।